पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से सालम इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M5 को शेर शाह से रहीम यार खान तक बंद किया गया। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 8.71% रिकॉर्ड। 4,340 नए केस रिपोर्ट। 7 अफराद जान की बाजी हार गए। स्कूल खुले रहेंगे या बंद होंगे, फैसला आज सूबाई वज़रा तालीम के इजलास में होगा। शादी ब्याह की तकरीबात के नए SOPs का फैसला भी किया जाएगा। मरी एक बार फिर सयाहों के लिए खोल दिया गया। रोजाना 8,000 गाड़ियां दाखिल होने की इजाजत। एबटाबाद गलियात में बर्फबारी से ताहाल सड़कें बंद। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत रास्ते खोलने में मसरूफ। राबता सड़कों की बंदिश से अनाज और ईंधन की किल्लत। विफाक ने सूबों को जेली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम पर एतमाद में ले लिया। 5 रोजा मुहिम के पहले मरहले का आगाज आज से होगा। मुहिम 70 मखसूस अजला में शुरू की जाएगी। 61 अजला में मुकम्मल, 9 अजला में जुजवी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। KPK के 6 जनूबी अजला में भी पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? नाम आपको पता चल ही जाएंगे। चारों पहली सफ में बैठते हैं, पता ही आप। नून लीग के 4 बड़ों में आगे आने की दौड़ लगी हुई है। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं किसी से मुलाकात में इन 4 लीगी रहनुमाओं ने नहीं कहा कि आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। मजीद कहा, अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, वक्त आने दे हम बताएंगे इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब है। चारों शरीफ सियासत से माइनस है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देखने वाले अंधी वेल की तरह हैं। ओपोजिशन तहरीके अदम एतमाद लाई तो इनके 25 लोग कम हो जाएंगे। 2 के बजाय 3 मार्च कर लें, कुछ नहीं होगा, इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। अप्रैल के बाद सूरत हाल बेहतर होगी। राणा सनाउल्ला ने शेख रशीद के बयान को खसियाना बिल्ली खंबा नोचे से तशबीह दे दी। कहा, सियासी यतीमों की चीखें निकलने लग गई हैं। इमरान खान सिर्फ अवाम के लिए डरावना ख्वाब है। इमरान नियाजी की हुकूमत ना होती तो मरी में 23 मासूमों की अमवाद भी ना होती। इमरान खान रुखसत होने वाले हैं। मुल्क में किसी नए निजाम की गुंजाइश नहीं। मुस्लिम लीग नून आइन की हुक्मरानी चाहती है। अगर कोई नया तजुर्बा किया गया तो इसका हाल भी 2007 की इमरजेंसी वाला होगा। एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया, कहते हैं हुकूमत किसानों को रिलीफ देने में नाकाम रही, मौशी पॉलिसी ना होने से मुल्क तबाह हो गया। हुकूमत नाकाम हो चुकी, इमरान खान ने खुद तस्लीम किया। खबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी, PTI की ना अहली है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा महंगाई आसमान तक पहुंच गई, कर्जों में कई गुना इजाफा हुआ, हर चीज IMF के अख्तियार में दे दी गई। पुराने साथियों में दूरियां खत्म होने लगी। महाजिर कौमी मूवमेंट के वफद की पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट अहमद मुलाकात में सिंध समेत कराची और हैदराबाद की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एक तरफ सियासी गर्मा गर्मी, दूसरी तरफ नो टेंशन। जहांगीर तरीन की बेटे अली तरीन के साथ टेनिस खेलते हुए वीडियो वायरल। जहांगीर तरीन की जिम में वर्जिश करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी।